शंकर की लोकेशन का अब तक कुछ पता नहीं चल सका। कल से उनका मोबाइल फोन बंद है। पुणे पुलिस उनसे संपर्क कर रही है, माफ कीजिएगा, नहीं कर पा रही। अब सवाल उठ रहा है कि पूजा खेडकर आखिर है कहां। इस रिपोर्ट में देखिए, ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर पुणे पुलिस के लिए एक पहेली बन गई है। पुलिस को उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही है। कहां है पूजा खेडकर? महाराष्ट्र के पुणे में, वासिम में या मसूरी में? जुलाई को पूजा खेडकर को पुणे पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचना था, पुणे के डीएम के खिलाफ की शिकायत के केस में अपना बयान दर्ज करवाना था, मगर वो नहीं पहुंची। बताया गया कि महाराष्ट्र के वाशिम से पुणे के लिए रवाना हुई थी, तो फिर पुणे पुलिस के पास क्यों नहीं गई? 23 जुलाई तक पूजा खेडकर को मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी रिपोर्ट करना है, तो क्या बीच रास्ते से वो मसूरी निकल गई? पुलिस सूत्रों का दावा है कि पूजा खेडकर का मोबाइल फोन स्विच्ड ऑफ है। अगर ऐसा है तो क्यों है? पूजा खेडकर पुलिस के सामने क्यों नहीं जा रही? क्या उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है? क्या पुलिस से बचने के लिए अपनी मां के नक्शे कदम पर चल रही है पूजा खेडकर? पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर पुलिस को चकमा देने के लिए पुणे से करीब 140 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक होटल में छिपी थी, और पूजा खेडकर भी पुलिस के सामने पेश नहीं हो रही हैं। सूत्रों का कहना है कि पूजा खेडकर कोर्ट से अग्रिम जमानत पाने की कोशिश में लगी हुई है, तभी वो कहीं छिप गई है। दावा किया जा रहा है कि पूजा खेडकर को आशंका है कि अगर वो सामने आई तो कहीं दिल्ली पुलिस ना उन्हें गिरफ्तार कर ले। दिल्ली पुलिस इसलिए क्योंकि यूपीएससी ने दिल्ली पुलिस के पास पूजा खेडकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, और पुलिस ने उनके खिलाफ जांच भी शुरू कर दी है। यूपीएससी का आरोप है कि पूजा खेडकर ने आईएएस अधिकारी बनने के लिए अपने बारे में गलत जानकारी दी और फर्जी पहचान बनाकर परीक्षा दी। अगर ये आरोप सही हुए तो पूजा खेडकर गिरफ्तार हो सकती है, उनकी नौकरी जा सकती है, और ये भी मुमकिन है कि पूजा खेडकर यूपीएससी की भविष्य में होने वाली कोई भी परीक्षा न दे सके। सूत्रों का कहना है कि इसलिए पूजा खेडकर अग्रिम जमानत पाने की फिराक में है ताकि वो सलाखों के पीछे पहुंचने से बच सके। पूजा खेडकर विवादों में इसलिए घिरी क्योंकि आरोप है कि उन्होंने यूपीएससी के पास अपनी दिव्यांगता का फर्जी सर्टिफिकेट जमा करवाया। इस सर्टिफिकेट की वजह से उन्हें परीक्षा देने के ज्यादा मौके मिले। आरोप है कि कम नंबर आने के बाद भी उन्हें रियायत मिली और उसकी बदौलत उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की, मगर सिलेक्शन के बाद पूजा खेडकर ने अपनी दिव्यांगता की पुष्टि के लिए कोई टेस्ट नहीं करवाया। वो एक के बाद एक 6 बार मेडिकल टेस्टों में नहीं पहुंची, और बाद में उन्होंने किसी दूसरी जगह से एमआरआई करवाकर उसकी रिपोर्ट पेश कर दी। पूजा खेडकर के इस विवाद ने उनके पूरे परिवार को फंसा दिया। उनकी माँ गिरफ्तार है, उनके पिता भी पुलिस के रेडार पर है। वहीं अलीगढ़ से लव जिहाद का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। पीड़िता का आरोप है कि आकीब ने आकाश बनकर उसके साथ 2 साल तक रेप किया। जब शादी करने का दबाव बनाया तो उसने धर्म परिवर्तन की शर्त रख दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने के लिए 6 टीमें बनाई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इश्क फरेब, वीडियो और ब्लैकमेलिंग, आकिब का आशिकाना फरेब, इश्क में फसाद फिर लव जिहाद, मोहब्बत का हसीन सपना दिखाकर जिहादी इश्क का खेल खेलने वाले इतने शातिर होते हैं कि उनकी जाल में फंसी लड़कियां वक्त रहती जान ही नहीं पाती कि उनके लवर के मंसूबे क्या हैं, और जब पता चलता है तो बड़ी देर हो चुकी होती है। लव जिहाद की ये कहानी अलीगढ़ से सामने आई है। आरोप है कि आकिब ने आकाश बनकर उसके साथ 2 साल तक रेप किया।
जब शादी करने का दबाव बनाया तो उसने धर्म परिवर्तन की शर्त रख दी। इतना ही आकिब ने तमंचा दिखाकर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी। धर्म परिवर्तन की शिकायत लेके आई हूँ। वो लड़का पहले मुझे अपना नाम आकाश बताया था उसने, फिर उसके बाद उसने मुसलमान बन के फिर कह रहा था कि मेरा नाम आकिब है। फिर उसके बाद उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की, ब्लैकमेल कराया मुझे, गोलियां दी है मुझे। उसके बाद मेरे भाई को धमकी दी है गोली से मारने की। अबे तमंचा रखता था वो, गोली की नशे की दवाई देता था, उसने ब्लैकमेल करता था। हाँ, ब्लैकमेल किया। इश्क में फरेब की एक कहानी जैसे ही हिंदू संगठनों को लगी, उन्होंने आसमान सिर पर उठा लिया। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए संगठन के लोग बन्ना देवी थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया। अब पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 6 टीमों का गठन किया है। मुझसे अपना वास्तविक नाम छिपाकर, गलत नाम बताकर, शादी का झांसा देकर सारे के संबंध स्थापित किए, फोटो बनाकर ब्लैकमेल करना बताया है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराते हुए विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभियुक्त को हिरासत पुलिस में ले लिया गया है। पीड़िता ने बताया कि सराय रहमान मछली वाली गली निवासी आकिब ने व्हाट्सएप पर आकाश बनकर उससे दोस्ती की। इसके बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ी और शारीरिक संबंध बन गए, लेकिन शातिर आकाश ने इसी दौरान लड़की का MMS बना लिया। तब तक पीड़िता नहीं जानती थी कि जिसे वो आकाश समझ रही है वो दरअसल आकिब है। बस उसके पास कार्रवाई ऐसी हो कि वो कभी मतलब छूटे ही ना। हाँ हाँ, उसने मेरा नंबर लिया था किसी और से, व्हाट्सएप पे हुई थी मुलाकात। हाँ हाँ, धर्म परिवर्तन की बात कि अगर तमंचे के नोक पे अगर तू मुस्लिम शादी नहीं करेगी तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा, कि मुस्लिम बन जा मेरे लिए। जब पीड़िता को आकाश के मुस्लिम होने का पता चला तो उसके होश उड़ गए। इसका विरोध करने पर आकिब ने उसके परिवार वालों को तमंचे के बल पर डरा धमका कर 2 साल तक हैवानियत की। इस बीच आरोपी युवक ने उसे कई बार नशे की दवाइयां भी दी और फिर आखिर में अपनी सबसे शातिर चाल चली, धर्म परिवर्तन की चाल। तब लड़की को समझ आया कि वो किस ट्रैप का शिकार हुई है। लव जिहाद ही है बिल्कुल, नाम उसने छुपाया है अपना। क्या नाम बताया? नाम वो था, क्या नाम है, आकाश। आकिब का आकाश। आकिब का आकाश। ये एक चैनल चल रहा है, ये चैनल चल रहा है, बड़ा कर्रा चैनल चल रहा है हिंदू लड़कियों को बेलाव। ये अभी तुमने काफी सुर्खियों में, वो तौकीर था, क्या नाम था उसका, वो कह रहा था एक एक व्यक्ति 4-4 बीवियों से, लड़की महिलाओं से शादी करेगा और 36 बच्चे बनाएंगे। तो और एक यहाँ बरेली का पास मुरादाबाद का जो केस था, हिंदू लड़कियों को उनके धर्म परिवर्तन करा के शादी कराने वाला, तो ये इस तरीके का चैनल चल रहा है। पीड़िता ने इसकी जानकारी जब हिंदूवादी नेताओं को दी, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों के दखल के बाद थाने में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया, जबकि अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 3 टीमें गठित कर दी है। घटना को लेकर हिंदूवादी संगठनों में भारी आक्रोश है। हिंदू संगठन से जुड़े लोग ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लगातार पूर्व में घटनाएं होती आ रही हैं, कुआरसी में हुई, दिल्ली गेट में हुई, रोराबर में हुई या अन्य जनपदों में भी लगातार लव जिहाद की इस तरह की घटनाएं होती आ रही है। इन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, तो हमारी प्रशासन से यही मांग है, शासन से यही मांग है कि इन पर लगातार अंकुश लगाया जाए। कि अभी पिछले एक महीने में अलीगढ़ में 3 घटनाएं हो चुकी हैं लव जिहाद की, कुआरसी हुई, दिल्ली गेट हुई, रोरा और हुई, आज ये 4th घटना हो गई 1-1.5 महीने के अंदर अंदर लगातार घटना हो रही है। लव जिहाद के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए हमें हथियार उठाने पड़ेंगे, हम पीछे नहीं उठेंगे, रुकेंगे किसी भी सूरत में। फिलहाल पूरे मामले में जांच जारी है, पुलिस की 6 टीमें आरोपी की तलाश में लगी हुई है। आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। अलीगढ़ से न्यूज 18 के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। कहते हैं